सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आने वाले वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि ज़ियाओ उनको कहानी सुना रही होती है, लेकिन लिन वहाँ से गायब होता है, जो कि देखते हैं ज़ियाओ का ऑफिस हैरान होती है। तभी ज़ियाओ देखते हैं कि लिन उस पेड़ पर चढ़ गया है और लिन उसे चिल्ला रहा होता है और उससे कह रहा होता है, क्या हो गया ज़ियाओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, आओ ऊपर आओ। अरे तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ऊपर नहीं आ सकती? तो ये सुनते हुए ज़ियाओ का ऑफिस चिढ़ जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या क्या तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, जल्दी से नीचे आओ। तो उसकी बात सुनते वे लिन नीचे आ जाता है, जिसे देखते हुए ज़ियाओ उस पर एक पंच करती है, लेकिन लिन उसका पंच ब्लॉक कर देता है और उसे पेड़ की तरफ दबा देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लिन और ज़ियाओ दोनों ही उस सिटी में आके बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ज़ियाओ से कह रही होती है, ये बिल्कुल सही है लिन, क्या तुम रेडी हो, कल हमारा आखिरी टेस्ट है। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, क्या कल हमारा आखिरी टेस्ट है? और ये कहते ही वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं आज तक इस दुनिया को समझ नहीं पाया हूँ, मेरा रास्ता साफ था अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, लेकिन जब से मैं इस खूबसूरत लड़की से मिला हूँ तब से इस काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेचीदा रहस्य है, हालांकि हमें अलग होना तय है। और ये कहते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और लिन कह रहा होता है, हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद सारे के सारे डिसेबल उस बड़े से गेट के अंदर जाने लगते हैं, जिसका ऑर्डर यूनझेन ने ही दिया था, लेकिन यूनझेन उन चारों को देखते हुए रोक देता है और वो चारों लिन, ज़ियाओ, वांगजोन और लीजो होते हैं। यूनझेन उन चारों से कह रहा होता है, रुको तुम चारों कहाँ जा रहे हो? और ये कहते हैं यूनझेन उन चारों को अलग अलग कार्ड देता है और कह रहा होता है, ये कार्ड तुम्हारे हर हरकत को रिकॉर्ड करेगा, जितना ज्यादा तुम उन नेम्स को मारते जाओगे उतना ही ज्यादा इस कार्ड का कलर बदलते जाएगा। सबसे लोएस्ट कलर्स में से हाईएस्ट कलर तक व्हाइट, ग्रीन, पर्पल, गोल्ड और रेड है। लिन उस कार्ड को पकड़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये सारे के सारे कलर्स निंग वन रियल्म के पांचों लोगों जैसा ही है। तभी यूनझेन उन चारों से कह रहा होता है, ये 9 पॉइंट ये लास्ट टेस्ट है, तो इसलिए तुम चारों को अलग अलग काम करना होगा ताकि मैं तुम्हारी असली ताकत का आकलन कर सकूं, यानी कि तुम्हारी ताकत को पहचान सकूं। टेस्ट के बाद तुम चारों यहाँ पे आओगे ताकि लोगों के सामने उनका एवेल्यूएट किया जा सके, इसलिए अपने आप से जितना हो सके उतना ट्राई करना। ये सुनते हुए चारों के चारों कहते हैं, यस मास्टर, हम अपना बेस्ट देंगे। और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी लिन से ज़ियाओ कह रही होती है, भाई मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ, जब मैं अंदर तक पहुँच जाऊंगी तो आप नॉर्थ की ओर चले जाना, मैं आपसे वहाँ पे मिलूंगी। तो ये सुनते हुए लिन उसे कह रहा होता है, तो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और जैसे वो आगे जाता है, वैसे ही कुछ समय चलने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, उस रात के बाद से ब्लड डेमन अचानक से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, मेरी ये स्वॉर्ड ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और इसका ब्लेड ये पहले से काफी ज्यादा पतला हो गया है, आखिर ये क्या हो रहा है? तभी वो देखते हैं कि उसके सामने एक टर्टल मॉन्स्टर आ गया है और वो उस पर हमला कर देता है, जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, बस ये एक ही है क्या, मैं इस पर अपनी ताकत को आजमा सकता हूँ, तब मुझे पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और जैसे वो टर्टल मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, वैसे ही बहुत ही तेजी के साथ लिन उसे मार डालता है और अपने मन में कह रहा होता है, अभी क्या हुआ, अचानक से मेरी स्वॉर्ड इतनी जल्दी कैसे बदल गई, क्या ये हो सकता है कि ये पूरा नहीं है, तो ठीक है मुझे और भी ज्यादा लड़ना होगा। और ये कहते ही वो एक टॉप जगह में चले जाता है, जहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे डीमंस है और बहुत सारे डीमंस मिलकर उन पर हमला करते हैं, जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, मुझे याद है कई साल पहले मास्टर ने जिन्हें एक बार कहा था, हम जहाँ भी जाएं, चाहे हम लोग जहाँ भी हो, फिर भी हमारे ऊपर कुछ नहीं बल्कि एक आकाश होता है और हेवन भी ऊपर है। इसने पहले ही दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी है, एक दुनिया के लिए एक ऐसी बाउंड्री जो कि कभी भी खत्म ना हो। और ये कहते हैं लिन अपने मास्टर की बात याद कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, हाँ पिछले दुनिया में केवल 15 वर्षों में ही मैं मार्शल आर्ट में अंतिम तक पहुँच गया था, यानी कि सबसे हाईएस्ट रैंक पर पहुँच गया था और अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये दुनिया ये काफी ज्यादा अलग है। और ये कहते ही वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही तेजी से उन सारे के सारे टर्टल डेमन को मार डालता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं किसी चीज से भी बंधा हुआ नहीं हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगा, मैं जितना ज्यादा ऊपर जाऊंगा उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि इसकी स्वॉर्ड वो जोरों से चमक रही होती है, जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, इस डेमन की वीकनेस ये उतना भी अच्छा नहीं है। और लिन आगे बढ़ता जा रहा होता है, आगे बढ़ते बढ़ते उसे बहुत टाइम हो गया होता है और वह आगे बढ़ते बढ़ते अपने मन में कह रहा होता है, मैं लगभग 1 घंटे से चल रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला और जितना ज्यादा मैं आगे चलता जाता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे चिंता हो रही है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या कोई रो रहा है? और उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते हुए वो एक गुफा की तरफ जाता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक लेडी रो रही होती है। तभी लिन उसे आवाज देता है और उसे कह रहा होता है, हे तुम यहाँ पे अकेला क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो? तो ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम कौन हो? लिन उसके पास आते हुए कह रहा होता है, मैं लिन चौकसी हूँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तो वो लड़की कह रही होती है, ये यहाँ पे बहुत सारे डीमन है। तो लिन कहता है, क्या डीमन आखिर कहाँ पे है? तो वो लड़की कह रही होती है, मैं लिस्ट में 19th नंबर पे हूँ और मेरे साथ 18th नंबर चल रहा था, हमने डीमन को मारने के लिए एक सौदा किया जिसके वजह से हम लोग अलग अलग हो गए थे, लेकिन तभी मुझे पता चला कि किसी टीममेट ने 18 नंबर को मार डाला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किलिंग डीमन अकेडमी के कपड़े पहना हुआ था। उन्हें तो डीमन किलिंग अकेडमी का डिसेबल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? हे भगवान ऐसा क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान
बयान हो रही होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है वो चीज ठीक आगे जंगल में है। तभी लिन अपने उनमें कह रहा होता है कि आज नीचे में सभी के सभी डीमन नहीं है, वो सभी तो काफी ज्यादा कमजोर है, तो इसलिए वो लोग किलिंग डीमन अकेडमी के कैसे हो सकते हैं। लिन उसे कह रहा होता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम गुफा में चुपचाप छिप जाओ, मैं आगे जाके देख लूंगा। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं जहाँ पे वही वॉरियर घास में छुपा हुआ होता है और वो अपने उनमें कह रहा होता है आधा घंटा हो गया है अभी तक कोई भी नहीं आया है, ऐसा क्यों। तभी वो लिन को देखता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने उनमें कह रहा होता है मैंने अपने लिए एक अच्छी कब्र चुनी है। और वैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाता है जिसका अंदाजा लिन को लग जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे पेड़ के ऊपर वही वॉरियर होता है जो कि उसके पीछे से वार करने वाला होता है। हम देखते हैं कि वो जो वॉरियर होता है वो लिन को मारने वाला होता है और अपने पास्ट के बारे में याद करता है जहाँ पे वो जो सफेद वाला वाला मास्टर होता है वो उसे कह रहा होता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या वो लिन सॉक्सी और जियाओ दोनों ही कसम खाते हैं, क्या वो दोनों भाई बहन है। ये सुनते हुए वो जो वॉरियर होता है वो कह रहा होता है वही सब कुछ की फिटनेस है। तो ये सुनते हुए वो जो मास्टर होता है वो बौखला जाता है और बड़े गुस्से से कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा फ्यूचर मास्टर इतना ज्यादा अशुद्ध कैसे हो सकता है, मैं उस आदमी को और देखना नहीं चाहता। तो ये सुनते हुए वो जो वॉरियर होता है वो कह रहा होता है तो ठीक है मुझे उसके साथ डील करने दो। और हमें सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो वॉरियर होता है वो अपने एरो से लिन पर निशाना लगा रहा होता है और अपने उनमें कह रहा होता है इतनी दूरी से अगर इसको ये क्रॉसबो लग गया तो ये जरूर बच नहीं पाएगा क्योंकि इससे बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते, ये तो मर ही जाएगा। तभी अचानक उसे पीछे से आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे अचानक से लिन पहुंच गया है और वो उसे कह रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो कि देखते हुए वो जो वॉरियर होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लिन उस पर अटैक करता है लेकिन वो जो वॉरियर होता है वो उसे डॉच कर लेता है। लिन अपने उनमें कह रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है। वो जो वॉरियर होता है वो भाग रहा होता है कि तभी अचानक से लिन उसके हाथ से वो क्रॉसबो लेते हुए उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है, जो कि देखते हुए वो जो वॉरियर होता है वो काफी ज्यादा रन होता है और अपने उनमें कह रहा होता है आखिर ये कौन है, क्या ये लिन शॉक्सी है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना तेज कैसे हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी पावर ये तो मुझसे भी कई ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस एक डिसेबल है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यही पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेट मिले और हम डेली का 2 या 3 वीडियो ला पाए। और वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिन का 2 वीडियो लाऊं लेकिन किसी कारण के चलते मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मन करे और मैं डेली का आपके लिए 2 या 3 वीडियो ला पाऊँ। सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।